हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। सेहत बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स ओनली। चाहे वो EPFO का एग्ज़ाम हो, AOEO का, या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपने जो ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, कि वीक में, एक हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार, आपने 2 to 3 hours जो है वो स्पेसिफिकली अपने आप को देने हैं। चाहे वो आपने अपनी फैमिली के साथ बैठना है, आपने मूवी देखनी है, ठीक है, आपने कुछ भी अपना टाइम पास करना है, या आपने हर हफ्ते 2-3 घंटे ऐसे अपने रखने हैं एंटरटेनमेंट के, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, कंटिन्यूसली स्ट्रेन से जो है, जो पूरा हफ्ता आपका चल रहा है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो एक दिन आपने ऐसा ज़रूर सेट करना है, ठीक है। चलिए, लेबर वेलफेयर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर वेलफेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये पार्ट 2 रहेगा आपका लेबर वेलफेयर के लिए। और इसमें मेनली हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर देखेंगे, जो वेरियस थ्योरीज हमारे पास लेबर वेलफेयर की, उनके बारे में बात करेंगे। थ्योरीज देखने से पहले अगर हम अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़ की, तो हमारे पास 3 अप्रोचेज आती हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। एक होती है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एक होती है यूटिलिटेरियन अप्रोच, और थर्ड होती है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच क्या कहती है कि भाई, जो एम्प्लॉयर है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के प्रति, कि वो उनको अच्छी जो है सर्विस लाइफ प्रोवाइड करे, उनको बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करे, जिससे जो वर्कर्स का लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव कर सके। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इसको हम कहेंगे। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है? यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहती है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो वेलफेयर अमेनिटीज़ के ऊपर, तो वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि उससे एम्प्लॉय खुश रहेगा, एम्प्लॉय खुश रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी तो यानी कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो वर्कर जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि यार मेरे एम्प्लॉयर जो है मेरी चिंता करते हैं, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो एक तो वो एम्प्लॉयर से खुश हो जाएगा, दूसरा वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी काम पर आएगा और काम और ज़्यादा दिल लगा करके करेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा होगा, ठीक है। थर्ड अप्रोच आती है आपकी पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि जो एम्प्लॉयर है वो एज अ गार्डियन उसको एक्ट करना है वर्कर्स का, ठीक है। रिसोर्सेज एक एम्प्लॉयर के पास हैं और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो है एक पेरेंट की तरह वर्कर्स की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको फुलफिल करना है एक एम्प्लॉयर को। तो ये 3 अप्रोचेज हैं, और इन्हीं 3 अप्रोचेज के आसपास आप देखोगे, जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे अभी, तो आसपास इन्हीं 3 अप्रोचेज के वो थ्योरीज जो है रिवॉल्व करेंगी, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके थ्योरीज देखेंगे। तो ये सारी थ्योरीज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखनी है, पुलिस थ्योरी, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी एंड रिलीजियस थ्योरी। बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हमें जाने की नहीं जरूरत है, ठीक है। हमको एक बेसिक आइडिया जो है वो लेना है कि बेसिक थ्योरी के अंदर क्या है, वो आइडिया अगर हम ले लेंगे तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पुलिस थ्योरी देखते हैं। तो पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि जो ओनर होता है या जो मैनेजर होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसके पास बहुत पैसा होता है, वेल्थ होता है, और उसके पास पावर भी होता है, लेकिन वो इस पैसे को, इस वेल्थ को और इस पावर को सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। वो वर्कर्स का वेलफेयर को कम्प्लीटली ओवरलुक कर देते हैं और निग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए। अब एम्प्लॉयर को पुलिस थ्योरी ने क्या कह दिया कि भैया ये तो है लालची लोग, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
तो इस केस में पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि यहां पर स्टेट यानी कि सरकार सरकार को यहां पर जो है भागदौड़ संभालनी पड़ेगी इस चीज से रिलेटेड। सरकार को कानून लेकर के आने पड़ेंगे, जो कानून एम्प्लॉयर के ऊपर एक जो है उनको फोर्स करेंगे एम्प्लॉयर्स को कि वो वेलफेयर वर्कर के वेलफेयर के लिए काम करें। जैसे मिनिमम वेजेस, भाई मिनिमम वेजेस कोड आ गया तो उसमें बता दिया कि भाई इससे कम वेज तुम नहीं दे सकते, या ये नॉर्म्स होंगे वेज सेट करने के, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हैरास नहीं कर सकता एम्प्लॉय को इस केस में। हेल्थ केयर, भाई अगर इतने एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। तो स्टेट कानून बनाए जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को इनको इनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फेयर, क्योंकि अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा तो लॉ में पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर जो है वो लालची है और स्टेट जो है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, ठीक है। ओके, पुलिस थ्योरी के बाद आती है आपकी फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से मिलती है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, उनको ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी तरह से जो वर्किंग कंडीशंस है वो एम्प्लॉयज की इंप्रूव की जा सके, ठीक है। और फिलेंथ्रोपिस्ट क्या मानते हैं कि ये जो आप खर्चा कर रहे हो ये एक इन्वेस्टमेंट है लेबर वेलफेयर में जो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी पेटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। ये महात्मा गांधी ने भी इसकी बात की थी, हमने लेक्चर भी देखा महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है। महात्मा गांधी भी ट्रस्टीशिप थ्योरी देते थे, देकर गए। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या कहती है कि जो ओनर है इंडस्ट्री का वो एक तरह से गार्डियन है अपने वर्कर्स का, ही इज अ पेटर्नलिस्टिक फिगर, ही इज लाइक अ पेरेंट टू देम, ही इज लाइक अ फादर टू देम। और ये जो एम्प्लॉयर है इसके पास रिसोर्सिस हैं, ये प्रॉपर्टी ऑन करता है, ये सारे प्रॉफिट्स इसको बिलोंग करते हैं, सो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही हैज द रिसोर्सेज कि वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करें, ठीक है। वर्कर्स अनअवेयर हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो अनअवेयरनेस का एम्प्लॉयर ने ये नहीं है कि फायदा उठाना है, एम्प्लॉयर को फिर भी इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स के लिए काम करना है। ये नहीं कि भाई वो अनएजुकेटेड हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। अब मिनिमम वेज कोड आप ले आए हिंदुस्तान में, मिनिमम वेज कोड किसने पढ़ा है? आप लोग भी सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपका लेबर वेलफेयर का टॉपिक है, नहीं तो मिनिमम वेज कोड एक बेचारा जो दिहाड़ी मजदूर है उसको तुम पूछो मिनिमम वेज, उसको मतलब ही नहीं पता होगा, कहां उसको पता होगा कि इतना मिनिमम वेज है, पता होगा क्या? नहीं पता होगा। तो ऐसे में भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने वर्कर को अवेयर भी कराए कि भाई ये तेरे राइट्स हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये किसमें है, पेटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। महात्मा गांधी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे इस थ्योरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि वर्कर्स धीरे धीरे समय के साथ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं, ट्रेड यूनियंस में एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जिनको लॉ के बारे में पता होता है, जिनको नॉर्म्स के बारे में पता होता है, जिनको एक्ट्स के बारे में पता होता है, एजुकेटेड लोग होते हैं, और ये लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं बाकी के वर्कर्स में भी। तो वर्कर्स विद टाइम, प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहता है कि वर्कर्स विद टाइम अवेयर होते जा रहे हैं अपने राइट्स को लेकर के, और बिकॉज वो अवेयर हो रहे हैं वो एक मिलिटेंट एटीट्यूड वर्कर्स के अंडर आ रहा है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर जो है वो बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वेजेस के लिए हो चाहे वो वर्किंग कंडीशंस के लिए हो। और क्योंकि ये मिलिटेंट प्रेशर एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ रहा है तो एम्प्लॉयर को वेलफेयर मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि वो वर्कर्स को अपीज कर सके, वर्कर्स को खुश कर सके, ताकि एक पीसफुल रिलेशन बना रहे इंडस्ट्री के अंदर, नहीं तो वॉयलेंस डिसहार्मनी, कभी वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, कभी एम्प्लॉयर लॉकआउट लगा देगा। आर यू गेटिंग इट? तो ताकि पीस बना रहे इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री स्मूथली वर्क करती रहे, इस मिलिटेंट एटीट्यूड की वजह से तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हैं। ये कौन सी थ्योरी होगी आपकी? प्लेकेटिंग थ्योरी। पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इन थ्योरी के ऊपर अगर आएंगे तो, ABCD प्लेकेटिंग थ्योरी में क्या होता है। प्लेकेटिंग थ्योरी में मिलिटेंट एटीट्यूड है वर्कर के अंडर, अवेयर है वो अपने राइट्स के बारे में, और एम्प्लॉयर जो है वो क्यों बेनिफिट्स दे रहा है, क्यों वर्कर्स की डिमांड को सुन रहा है, ताकि पीसफुल रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है जी।
उसके बाद पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो वेलफेयर एक्टिविटी के लिए इसलिए काम करता है ताकि एक वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप ठीक रहे, पीसफुल रहेगा ना, वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, काम अच्छे से करेगा, दिल लगा के काम करेगा, नहीं तो वो दिल लगा के काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा पब्लिक रिलेशन एनहेंस होते हैं, पब्लिक में आपकी एक फिगर बनती है कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने वर्कर्स का, अपने स्टाफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। और यहां पर पब्लिक रिलेशन थ्योरी में एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मेरे दिमाग में आती है जब भी मैं पब्लिक रिलेशन थ्योरी पढ़ाता हूं, गूगल। गूगल इज वेरी मच फेमस फॉर अ गुड रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयज। पूरी दुनिया जानती है कि गूगल के एम्प्लॉय, अगर आप गूगल में जॉब लग जाती है, पैकेज इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, पर जो वर्क कल्चर है गूगल में, गूगल उसके लिए जाना जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो पब्लिक रिलेशंस, देखो वर्कर क्या है, वर्कर क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो क्या है, वो भी आपका कस्टमर है, वो आपका कस्टमर भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आटा बनाती है, आशीर्वाद आटा बनाने की एक कंपनी है, अगर आपने टीवी पे ऐड भी देखी हो, आशीर्वाद ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये वर्कर भी तो आटा खाएंगे अल्टीमेटली, इनको भी तो परचेज करना है, तो ये भी तो एक तरह से हाँ। और वर्कर्स अगर है खुश होंगे, वर्कर एक आशीर्वाद की फैक्ट्री से निकल के शाम को घर जाएगा, अपने पड़ोसियों को बताएगा हाँ यार आशीर्वाद की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बड़ा ध्यान रखा जाता है वहां पर। बंदा कहेगा कि यार जो इंसान अपने इंप्लॉय का ध्यान रख रहा है मतलब वो घपलेबाज नहीं है। तो एक पब्लिक इमेज बनती है, सोसाइटी में गुडविल क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सेल और प्रॉफिट भी इंप्रूव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ओके। और इस अप्रोच को, इसी वजह से यूटिलिटेरियन अप्रोच कहा जाता है। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है कि वो आपको चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए विच इज रिजल्टिंग इनटू मैक्सिमम बेनिफिट्स। अब मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो रहा है, इंप्लॉय के वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हो, इंप्लॉय का बेनिफिट हो गया, इंप्लॉयर का सेल बढ़ गया, इंप्लॉयर का प्रॉफिट बढ़ गया, इंप्लॉयर का गुडविल सोसाइटी में बढ़ गया, इंप्लॉयर का पब्लिक इमेज इंप्रूव हो गया, इंप्लॉयर को बेनिफिट हो गया, इंप्लॉयर भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, यूटिलिटेरियन अप्रोच सेटिस्फाइड, ओके। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है, ये भी एक तरह की यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ये क्या कहता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हो, आप उसकी डिमांड्स को सुन रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो, तो उससे क्या होता है, उसके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या बना रहेगा, पीस बना रहेगा, जिसकी वजह से वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसी वजह से फंक्शनल थ्योरी को एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, जरूरी नहीं है कि, देखो दो चीजें होती हैं सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हमेशा स्ट्राइक के ऊपर जाएगा। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक के ऊपर ही जाए, लेकिन फर्क क्या होता है, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम करेगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेगा, वो वेस्टेज को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा होगा उससे मेरा फायदा होगा, तो वो मैक्सिमम देने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय ना खुश, एम्प्लॉयर सुनता ही नहीं है, वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है ऐसे एम्प्लॉय के लिए, तो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्या करेगा, स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। अगेन आशीर्वाद के ऊपर चले जाते हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जरूर देखेगा कि जो आटा बन रहा है, जो आटा पैक हो रहा है, वो प्रॉपरली रिफाइन होकर के जा रहा है। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय कहेगा मेरे को क्या लेना है, रिफाइन होकर जाए चाहे ना जाए, मेरे को अपना काम निपटाना है। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कोशिश करेगा कि मिनिमम वेस्टेज हो, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय करेगा मेरे को क्या करना है, मेरे को तो मेरी तनख्वाह से मतलब है, वेस्टेज जो हो रही है वो तो होएगी ही, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो अगर एम्प्लॉय हैप्पी है, खुश है कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए काम कर रही है, तो वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करेगा, मैक्सिमम बेनिफिट जो है उससे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, इससे प्रॉफिट इंप्रूव होगा ऑर्गेनाइजेशन का वंस अगेन, ठीक है जी। लास्ट हमारी आ जाती है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, रिलीजियस थ्योरी जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, जिनका ये मानना होता है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट उनको हेल्प करेगी
ताकि उनके जो फ्यूचर है उसमें उसको उनको फायदा मिलेगा। हम कहते हैं ना कर्म करेजा, कर्मा थ्योरी। तो ये बेसिकली जो रिलीजियस लोग हैं ये कर्मा में बिलीव करते हैं कि अगर ये इंप्लॉई के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं देन दे आर डूइंग अ गुड कर्मा एंड गॉड उनको जो है अवार्ड करेगा उस गुड कर्मा के लिए फ्यूचर में। ऑल्सो अगर वो प्रेजेंटली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंप्लॉयज की हेल्प कर रहे हैं, इंप्लॉयज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे जो उनके पिछले पाप हैं वो भी धुल जाएंगे, अटोनमेंट ऑफ सिंस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है कि इंप्लॉयर अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो वो एक रिलीजन की वजह से अपने कर्म सुधारने के लिए उसको कर रहा है। सिंपल सी बात। ऑल राइट, चलिए ओके। तो ये हमारी लास्ट थ्योरी थी दोस्तों, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इसमें। लेबर वेलफेयर का ये सेकेंड वीडियो था, पार्ट वन ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। ओके चलिए, तो पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 के ऊपर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। ओके एंड कोई भी इशू हो बिंदास, बस आपने डिसेंसी मेंटेन रखनी है कमेंट सेक्शन में भी, उसके अलावा आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।